कर्नल आशुतोष शर्मा जी के बलिदान को पूरा देश याद करेगा, पूरे मुल्क को गर्व है उनके त्याग पर, बलिदान पर। और जिस रूप में उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है वो हम सब के लिए फख्र की बात है। और आप देखते हैं कि उनके साथ में और लोग शहीद हुए हैं, और राजस्थान में तो घर घर में शहीदों का इतिहास है, चाहे वो 62 का वार हो, 65 का वार हो, 71 का वार हो, या कारगिल हो, हमेशा यहाँ के शहीदों ने कुर्बानी देने में पीछे नहीं रहे हैं। आतंकवाद का मुकाबला करना हम सबका फर्ज है, पूरा मुल्क एक है, अखंड है इस बात के लिए, और एकजुट होकर के हमेशा संकल्प लिए हुए हैं कि आखिर में हम लोग आतंकवाद को समाप्त करके रहेंगे। कितने लोग शहीद हो रहे हैं आपको सबको मालूम है। कर्नल साहब का अपना एक अलग वारा था, अलग सोच थी, और जो सुना मैंने तो बहुत दुख हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिवार जो बहुत ही आघात लगा है उनको इस दुख को सहन करने की ईश्वर को शक्ति दें।